हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल टुडे? वेलकम टू आवर फिफ्थ इंग्लिश क्लास। टुडे इन आवर इंग्लिश क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर बुक वर्क फ्रॉम लेसन माय परफेक्ट ग्रैंडडॉटर। तो बेटा, ये पोएम हम सभी ने पढ़ी और हमें बड़ी ही अच्छी लगी, तो आज हम इसका जो बुक वर्क है पेज नंबर 37 पे उसको कंप्लीट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द ग्लोसरी। सो यहाँ पे जो ग्लोसरी में हमारे पास वर्ड्स गिवन थे, आपने देखा कि जो पोएम थी उसके एंड में हमारे पास कुछ वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स गिवन थे, तो उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए हमें यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स हमारे हैं उनको हम फिल करेंगे। सो पहला है हैंसल एंड ग्रीटल। सो जो हैंसल है और ग्रीटल है, ये दो बच्चे हैं। थॉट द विच वर्ड्स वर काइंड, तो उन्होंने ये सोचा कि जो विच के वर्ड्स थे वो बड़े ही काइंड थे, काइंड मतलब दयालु थे। बट हर ब्लैंक इंडिकेटेड हर इविल इंटेंशन, लेकिन उसकी जो इंटेंशन थी कि वो क्या करना चाहती थी, तो उससे उसकी जो इंटोनेशन था, इंटोनेशन क्या होती है, जो आवाज़ में उतार चढ़ाव होता है, जो बोलने का तरीका होता है, तो जो आवाज़ में उतार चढ़ाव होता है उसकी वजह से उन्हें पता चल गया कि उसकी जो इविल इंटेंशन है वो क्या है। तो यहाँ पे आप इंटोनेशन INTONATION लिखेंगे। सेकेंड है बेटा, आई ब्लैंक ड्रॉप द बिस्किट्स फ्रॉम माई हैंड वाइल रीडिंग अ बुक, कि मैं जब बुक पढ़ रहा था तो जो बिस्किट है वो मेरे हाथ से छूटकर गिर गया, ये मैंने उस बिस्किट को गिरा दिया। तो जब वो बुक पढ़ रहा है तो उसका जो ध्यान है वो बुक के अंदर है, तो उसका ध्यान बिस्किट की तरफ नहीं था। सो एबसेंट माइंडेडली, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एबसेंट माइंडेडली, ABSENTMINDEDLY, एबसेंट माइंडेडली यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद थर्ड है बेटा, ही ब्लैंक टोल्ड हर दैट ही टुक मनी फ्रॉम हर पर्स। सो ही कैजुअली, उसने वहाँ पर बताया था कि उसने उसके पर्स से पैसे लिए हैं, तो ही नॉन चेटिंगली टोल्ड हर दैट, कि उसने कैजुअली क्या होता है, नॉन चेंटिंगली, तो नॉन चेंटिंगली टोल्ड हर दैट ही टुक मनी फ्रॉम हर पर्स, कि उसने उसके पर्स से पैसे लिए हैं। सो नॉन चेंटिंगली आप यहाँ पर लिखेंगे NONCHALANTLY, नॉन चेंटिंगली। फोर्थ है, आई ब्लैंक द बुशेस अराउंड द क्रिकेट ग्राउंड फॉर द लॉस्ट बॉल, कि उसने जो बुशेस थी उनमें ढूंढा उस लॉस्ट बॉल के लिए, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, चौकर, SCOUR। फिफ्थ है, द जस्ट एजेस ऑफ द ब्रोकन बोटल ऑलमोस्ट कट माई हैंड, तो आपने देखा होगा अगर कोई बोतल टूट जाती है तो उसकी जो एजेस होती हैं वो ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो वो उन्हें हम क्या कहते हैं, जस्ट, JAGGED, जस्ट एजेस ऑफ द बोटल ऑलमोस्ट कट माई हैंड, कि उसकी जो जस्ट एजेस थी बोतल की, उसके जो किनारे थे उन्होंने लगभग मेरे हाथ को काट ही दिया था। बी है, तो ये आपको खुद करना है, थिंक ऑफ टू थिंग्स यू डू एबसेंट माइंडेडली। एबसेंट माइंडेडली मतलब जब आप, मतलब आप ध्यान नहीं देते हैं उस टाइम पे, आप जो दो चीज़ें करते हैं आप उन्हें लिखेंगे, एंड टू थिंग्स यू वुड से नॉन चेंटिंगली, और दो ऐसी चीज़ें जो आप सामान्य तौर पर कैजुअली ऐसे ही बोलते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आप क्या चीज़ हैं, दो चीज़ जिनको आप एब्सेंट माइंडेडली करते हैं और नॉन चेंटिंगली सामान्य तौर पर आप जैसे बातें करते हैं, तो दो वर्ड्स ऐसे जो आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सी, पैटी इज ग्रैंडमदर इन तमिल, तो तमिल में जो ग्रैंडमदर होती है, जो दादी माँ होती है, उनको हम पैटी कहते हैं। डू यू नो वर्ड्स फॉर ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर, क्या आपको पता है कि ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के लिए हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं इन अदर लैंग्वेजेस, जो दूसरी भाषाएं हैं उनके अंदर। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम दादा बोलते हैं, दादाजी, दादी जी बोलते हैं, बाबा और माँ भी बोलते हैं, तो इसी प्रकार से और जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं। हाउ मैनी कैन यू कलेक्टिवली गेट एज ए क्लास, ये हम जब आप क्लास में आएंगे तब हम देखेंगे कि डिफरेंट जो बच्चे हैं उन्हें क्या क्या ये मिलता है।
और फिर हम इसका एक कोलाज बनाएंगे। सो बेटा आप आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और रिवाइज करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।